Hey everyone, welcome to the Dancation tutorial series, and here we are with a special choreography for you all to dance on this Diwali. So आज का हमारा tutorial जो dance choreography है वो Diwali special है. तो इसका song है राम आएंगे, the slower version of it. I think आप सब लोगों ने ये song सुना ही होगा. So let's start. राम आएंगे जो सॉन्ग है वो काफ़ी स्लो है, तो इसके पहले के लिरिक्स है उसमें स्टैंडिंग कोरियोग्राफी है, और जो बाद के लिरिक्स है उसमें सिटिंग कोरियोग्राफी है, जिसको बैठक भी कहते हैं. सो लेट अस बिगिन. सो फर्स्ट यू गो राइट लेग अप करना है आपको पीछे, और टो पॉइंटेड अप एंड क्रॉस. तो ये लेफ्ट लेग से क्रॉस होगा फ्रंट में, लाइक वन एंड टू, लेकिन एकदम स्मूथली होना चाहिए. एंड हैंड आपका जाएगा राइट लेग के साथ पीछे की डिरेक्शन में सर्कल करके आगे. 5 6 7 गो, 1 एंड 2. सो मतलब आपका जो पैर है और हाथ है वो सेम पोजिशन में होंगे व्हेन इट इज हियर एंड 2. सो आपको उसको रोटेट करके आगे लाना है. जस्ट मेक श्योर कि ये वाला जो हैंड है वो आपको एरो के पोज में रखना है, बिकॉज हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो एरो का है. सो आपका लेफ्ट हैंड, जब आप ये स्टेप कर रहे हैं राइट साइड, आपका लेफ्ट हैंड ऐसे रहेगा सामने, एज इफ ये बो एंड एरो है, मतलब धनुष है, एंड यू आर लाइक एमिंग लाइक राम, बिकॉज इसके लिरिक्स है राम आएंगे. सो वी आर पोर्ट्रेइंग राम इन दिस स्टेप. वंस अगेन वी डू 1 2 3. सो 3 में आपको करना है पुल, तो आपने एरो किया पुल. एंड फोर्थ लिरिक्स में, फोर्थ स्टेप में यू हिट योर शोल्डर, जो राइट शोल्डर है आपका ये पोज है ठैक. सो हिट इन द फ्रंट, शोल्डर फ्रंट में आएगा. 5 6 7 गो, राम आएंगे तो. सो द आएंगे तो उसमें यू डो हिट. अब यहाँ से आपको जाना है पीछे की साइड विथ राइट लेग स्वूप करके. सो मतलब यू डिड 1 एंड 2 एंड अब आपको दिखाना है अंगना. सो यू गो 1 2. सो आपका जो राइट लेग है वो टो पॉइंट हो जाएगा, एंड यू विल लाइक स्वाइप इट बैक इन सर्कुलर डायरेक्शन, और आपके हाथ जाएंगे अलॉन्ग विथ योर लेग 1 एंड 2. अभी आपको यहाँ से फिर से लेफ्ट लेग जो है पीछे लेना है नेक्स्ट लिरिक्स के लिए. सो यू डो, आपका राइट हैंड यहाँ आ जाएगा, आपका लेफ्ट हैंड विल स्वाइप लाइक दिस. ओके, पूरा एक बार फिर से करते हैं. 5 6 7 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8. सो फर्स्ट वाले जो काउंट है वो 4 काउंट्स है, जो सेकेंड लिरिक्स की काउंट है वो 2 एंड 2 है. मैं आपको सॉन्ग पे समझाती हूँ. राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे. सो द अंगना वाला इज दिस, तो आप पोर्ट्रे कर रहे हैं अपना एनवायरमेंट, एंड सजाएंगे सो यू डेकोरेट. सो द कोरियोग्राफी इज क्वाइट लिरिकल, सो इट इज ईजी फॉर यू टू रिमेंबर अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स. सो एज यू फिनिश्ड अंगना सजाएंगे, सो आपका जो लेफ्ट लेग है वो है टो पॉइंट और एज थोड़ा सा पीछे, तो आप उसको रख देंगे, एंड आपका राइट हैंड आगे जाएगा. पहले तो आपको राइट लेग प्लेस करना है आगे की साइड. सो यू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड 1, और ये वाला टेप लेग टो पॉइंट हो जाएगा, और आपको राइट हैंड ऐसे रखना है. इसके लिरिक्स है दीप, सो दीप मीन्स दिया. सो यू हैव टू इमेजिन दैट दिया इज इन योर हैंड. सो यू प्ले 1 एंड 2, तो ये 2 काउंट्स है. देन यू क्रॉस योर राइट लेग 1 एंड 2. देन इसके लिरिक्स है दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे. सो मनाएंगे में यू टेक अ सर्कल लाइक दिस. सो सर्कल आपने लिया, आपका लास्ट पोजिशन था 1 2 3, तो जब आप ये क्रॉस करते हैं तब आपका हाथ इधर रहेगा, देन ऑपोजिट चला जाएगा आपके लेग से, तो आपका लेग है राइट साइड पे, आपके दोनों हैंड्स है
लेफ्ट साइड पे, और आपको यहीं से सर्कल लेना है बट क्रॉस करके लाइक दिस. तो हैंड्स ऊपर एंड क्रॉस ओपन. अब आप ट्वर्ल करके आ गए यहाँ पे, तो अब आपको बैठ जाना है नीचे. सो नाउ द सिटिंग कोरियोग्राफी विल स्टार्ट. सो आफ्टर यू टेक द सर्कल, मेक श्योर यू सिट इन अ कंफर्टेबल बट ग्रेसफुल पोजिशन, वरना इट वॉन्ट लुक नाइस. सो अब लिरिक्स है, मेरे जन्मों के सारे पाप धुल जाएंगे. सो मेरे मे यू पुट योर हैंड, राइट हैंड ऑन द चेस्ट एंड यू स्लाइड राइट एंड लेफ्ट. तो एकदम वो स्मूथली जाना है. एंड मेक श्योर कि अगर आपका एक हैंड यूज में है, आप स्टेप कर रहे हो उस हैंड से, तो दूसरा हैंड यू या तो ऐसे आप रेस्ट कर दो उसको, या तो आप एलिगेंटली उसको ऐसे प्लेस करो यहाँ और यहाँ, वॉट एवर यू आर कम्फर्टेबल विथ, बट उसको केयरलेसली कहीं नहीं रखना. सो यू गो वन एंड टू, फिर यू गो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड क्रॉस एंड क्रॉस. हिंदू कल्चर में माना जाता है कि दिस इज लाइक यू आर प्रेइंग फॉर फॉरगिवनेस, मतलब पाप का सिंबलाइज है कि पाप के लिए माफ कर दो हमें. मेरे जन्मों के सारे पाप, यू नीड टू गो वेरी स्लो, द सॉन्ग इज वेरी स्लो एंड सो द कोरियोग्राफी इज वेरी इजी फॉर यू. सो वन टू थ्री फोर, अब फोर किया, अब है धुल जाएंगे और मिट जाएंगे. सो वन राइट हैंड, वन लेफ्ट हैंड, टू. सो आपको करना है क्रॉस, तो राइट आप लेफ्ट साइड अप लेके गए, उसको लेके आना है राइट साइड डाउन. ये लेफ्ट हैंड राइट साइड अप लेके गए, उसको आना है लेफ्ट साइड डाउन. सो सिंपल, इट इज अ क्रॉस, वन एंड टू. जस्ट मेक श्योर कि आप बहुत एलिगेंट और ग्रेसफुल मूवमेंट्स कर रहे हैं अपने हाथ के साथ, एंड आपका फेस जो है वो अपने हैंड्स के साथ जाना चाहिए. यू लुक वेयर योर हैंड इज. सो वन एंड टू, तो डांस आपका बहुत ब्यूटीफुल लगेगा. एंड इसमें भी जब आप स्विंग कर रहे हैं, मेक श्योर यू लिप सिंक और आपका एक्सप्रेशन है तो वो बहुत अच्छा लगेगा. मेरे जन्मों के सारे पाप धुल जाएंगे. एंड नाउ यू डू राम आएंगे. सो द मेन लिरिक्स इज दैट. सो वन एंड टू, सो नाउ यू डू राम, दैट इज नमस्ते सिंपल आएंगे. सो यू लुक फॉर द गॉड राम कि वो आ रहे हैं ऐसा. राम आएंगे, सो यू पॉज हियर. देन द नेक्स्ट लिरिक्स आर मेरी झोपड़ी के भाग. सो दैट पोर्ट्रेज कि मेरे घर के, मेरे द्वार के, मतलब नसीब खुल जाएंगे. सो अगेन मेरे इज द सेम. मेरी झोपड़ी के भाग आज. सो भाग यानी नसीब. सो नसीब इज पोर्ट्रेड हियर, तो उसका सिंबलाइजेशन है किस्मत की लकीर जो कहते हैं. सो यू गो मेरी झोपड़ी के भाग, और आपका लेफ्ट हैंड मेक श्योर इधर है, तो आप इधर रखोगे उसको मेरे करने के बाद. वन टू थ्री एंड फोर, तो आप लेफ्ट हैंड से आपको राइट हैंड टैप करना है एंड आप करोगे ओपन. सो उसके हैं खुल जाएंगे. वन टू थ्री फोर, सो ये है मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे. अब राम आएंगे फिर से है. सो यू वन एंड टू, मतलब आप उनके पैर छू रहे हैं. यू हैव टू, आपको ऐसा डेमोन्स्ट्रेट करना है कि आप उनके पैर छू रहे हैं. सो राम, आप सिर पे भी ले सकते हैं इफ़ आपके पास टाइम है, वरना दिस इज इनफ. राम आएंगे, आएंगे मतलब आपको दिखाना है कि इज कमिंग. सो काफ़ी लिरिकल है कोरियोग्राफी एंड इट इज़ ईजी टू रिमेंबर, इट इज़ ईजी फॉर यू ऑल टू डू. सो लेट अस डू द होल कोरियोग्राफी, सिटिंग वाला होल कोरियोग्राफी ऑन काउंट्स. सो यू गो मेरे जन्मों के सारे पाप धुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग
कागज खुल जाएंगे, राम आएंगे. So here the choreography comes to an end. Now let me show you the whole choreography on counts. So आप लोग भी join करना मेरे साथ. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. सो कोरियोग्राफी एज यू कैन सी काफ़ी छोटी है, सॉन्ग भी काफ़ी कम सेकेंड्स का है, बट आप फ्लावर्स के डेकोरेशन के साथ, रंगोली के साथ, ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली, दिया के साथ, फ्लावर एंड ये सब तो सेकेंडरी है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली विथ दियाज यू कैन डू दिस कोरियोग्राफी. एंड आप हमें कॉमेंट्स में लिख के ज़रूर बताना कि आपको ये कोरियोग्राफी कैसी लगी. Do share your videos with us and feel free to make any changes in this choreography as you like. Thank you so much.